एक होर मेजर ग्रुप यंगस्टर्स का जिहड़ा टेंशन च रह जाता कि मैं कमजोर हो रहा, मेरा भार घट रहा जी, मेरा पढ़ाई च मन नहीं लग रहा जी, तांत पुछो तांत की है जी, मेरा जी सीमन वगदा रहिंदा है। मैं चैलेंज करना हाँ कि जो भी तेरे ड्रॉप से बाहर आते हैं जिन्होंने धांत कहते हो, लेस कहते हो, उन्होंने चैक कराओ खुद जाकर लैबोरेटरी में, एक भी सीमन नहीं होगा, ये वीरज है ही नहीं है। ये साढ़े ग्लैंड्स क्यूपर्स ग्लैंड सेक्रेशंस हैं जो कि इसलिए आते जो साढ़े मन से कोई भी सैक्शुअल थॉट या एरोटिक थॉट या सैक्स बारे से विचार आता है, सैक्स करना चाहते हाँ, मर्दों के पेशाब की नाली तो वीरज वाले नाली एक ही है। कुछ ना कुछ पेशाब हमेशा नाली च बचा रहता है। सो जो असं सैक्स बारे सोचते हाँ, दिमाग तो ही सोचता कि इन्हें यह बच्चा पैदा करने सैक्स करना है। सो वो जो ग्लैंड्स ने अपना सक्रीशन छड़ते हैं, अपनी लेस छड़ते हैं, जिन्हें जी पेशाब की नाली है उस जो पेशाब पिया है वह सारा धोता जाता है, पहली गल। दूसरा वो तिलकन है, वीरज को अंदरों बाहर आने के आसानी हो जाती है, वो स्पीड न बहर आता है, उसकी जी अंदर स्पीड वधी है क्योंकि तिलकन है ना, इस करके स्पीड वध जाती है। और प्लस जो सारी बाहर की चमड़ी है उन्होंने भी नरम कर देता है जो कि सैक्स दौरान नहीं फटती है। सो जी धांत है ये बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल सक्रीशन ने, एक नॉर्मल प्रोसैस है सैक्स का। जिदा रोटी देख रहे थुक आती है, अगर रोटी असं हजम कर सकी, चबा सकी, नरम कर सकी, इस तरह ही जी सक्रीशन ने एक नॉर्मल सक्रीशन ने ताकि सैक्स दौरान साडा सीमन आराम ना बहर आ सके, साडी स्किन ना फटे। इहदा इलाज असीं उदों ही करदे हाँ कि जे किसी बंदे ने मल्टीपल सैक्स पार्टनर मतलब कई लोगों ने सैक्स किया है विदाउट प्रोटैक्शन विदाउट कॉन्डम और इस लेस दे विचों बहुत बो आ रही है, जा पेशाब दौरान लेस दे नाल दर्द हुंदी है, जलन हुंदी है, भाव इनफेक्शन हो गई है, तां ही इसका इलाज करते हैं। अदरवाइज इहदा इलाज करन दी कोई भी लोड़ नहीं है।